गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फैकल्टी ऑफ सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल। यस्टरडे वी स्टार्टेड अवर साइंस चैप्टर ऑफ क्लास एट चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कल हम लोग ने अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करा था। उसमें हमने टॉपिक्स क्या क्या कवर करे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते क्या है, उसके स्पेशल इक्विपमेंट क्या होते हैं, और हमने उसके यूजेस पढ़े थे। 3 टाइप्स ऑफ यूजेस वी स्टडीड। कौन कौन से पढ़े थे हमने? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेकेंड वन हमने पढ़ा था कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फिर थर्ड वन हम लोग ने पढ़ा था मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज क्या क्या हो सकती है, मतलब हमारे ह्यूमंस में भी, हमारे एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। तो लेट अस स्टार्ट, डिसीजेस विच कैन कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में हमने देखे थे कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी कुछ मेडिसिंस बनी होती हैं, तो उसका हमने क्या बोला था? एंटीबायोटिक्स बोला था। तो लेट अस स्टार्ट द ह्यूमन डिसीजेस विच कैन कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज द चार्ट ऑफ ह्यूमन डिसीज, जिसमें कि फर्स्ट है ह्यूमन डिसीज, मतलब कि ह्यूमंस को कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, किसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। और उस जो डिसीज़ हो रही है ह्यूमंस को, जो डिसीज़ हो रही है हमें, वो किसके थ्रू हो रही है, मीन्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है, उसका ट्रांसमिशन क्या, ट्रांसमिशन मतलब कि किसके द्वारा हो रही है, मतलब कि पूरे हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो वी कैन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि जो डिसीज़ हमारे इसमें हो रही है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डिसीज़ हो रही है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और जो डिसीज़ हो रही है उसको हम किस तरह से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कि बचा कर रख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो अवर फर्स्ट डिसीज़, ट्यूबरक्लोसिस, मिसल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, दिस आर द डिसीजेस विच कैन कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बॉडी। ये जो चार डिसीजेस हैं, जैसे टीबी, सो दिस आर द फोर फर्स्ट डिसीजेस विच वी स्टडी। ये जो पहली चार डिसीजेस हैं हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी बोलते हैं, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मतलब कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये किससे कॉज होता है, टीबी किससे कॉज होता है, तो यू कैन सी किससे कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है, मतलब कि अगर ह्यूमन को टीबी हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, मतलब कि एयर्स में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो इट्स अ चांसेस कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। अब जैसे चिकन पॉक्स तो सब अवेयर है चिकन पॉक्स से, तो जो चिकन पॉक्स है वो भी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमने कल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के टाइप पढ़े थे, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया पढ़ा था, वायरस पढ़ा था, एल्गे पढ़ा था, प्रोटोजोआ पढ़ा था। तो मतलब कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है चिकन पॉक्स का वो क्या है, वायरस से है, और ये जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होगा, एयर या कॉन्टैक्ट है, मतलब कि ये या तो ये हवा में फैलता है, या तो फिर कांटेक्ट, मतलब कि अगर किसी को चिकन पॉक्स है तो वो अगर हम किसी के कांटेक्ट में, मतलब जिसको चिकन पॉक्स है अगर हम उसके कांटेक्ट में आए तो उससे भी हमें हो सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन, मतलब कि जो टीबी, चिकन पॉक्स, पोलियो, मिसल्स, ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, और ये किसके थ्रू होता है, सारे जो होते हैं एयर की वजह से होते हैं। ओके, अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाकर कैसे रख सकते हैं, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब कि या तो उसे एक जगह अलग ही रखें उस पेशेंट को। इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस ऑल डिसीजेस, अगर जो व्यक्ति है वो इस पूरे डिसीज से सफ़र कर रहा है, तो उसको आइसोलेशन में रख दे, एक अलग ही जगह पर रख दे, जिसके कि हम कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, तो हमें चांसेस कम रह गए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। आइसोलेशन मतलब कि वही कि हम उससे दूरी बना कर रखें, उसके कांटेक्ट में ना आए। अगर हम दूरी बना कर रखें कि उस पेशेंट से, तो हम उसके कांटेक्ट में भी नहीं आएंगे, तो जो डिसीज़ वगैरह, ये जो डिसीज़ है वो हमें नहीं होगी। और वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल स्टेज, वैक्सीनेशन मतलब जो टीकाकरण होता है, जो टीका है, जैसे कि पोलियो का टीका लगता है,
तो अगर हम उसे एक सूटेबल स्टेज पर, अगर जो उसकी एज है जिस स्टेज 2 to 5 years के बीच में, अगर वैक्सीनेशन उसका हम करा दें तो ये जो डिसीज है ये होने के चांसेस नहीं है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? दिस 4 डिसीज नाउ, कोलेरा एंड टाइफाइड। आवर सेकेंड डिसीज इज कोलेरा एंड टाइफाइड। अब टाइफाइड तो आप सबने सब सुना होगा, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब जो टाइफाइड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, मतलब कि इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर है, मतलब कि टाइफाइड जो होता है वो वाटर की वजह से होता है। जैसे कि अगर अगर हमें इसे बचा कर रखना, अगर हम इसको प्रिवेंट करके रखें तो किस तरह से करके रख सकते हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉटल ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। अब जो कोलेरा और टाइफाइड है, अगर इससे हमें प्रिवेंट होना है, अगर इससे हमें बचकर रहना है, तो इसका क्या प्रिवेंट है कि या तो हमें जो पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब कि हमें साफ सुथरी जगह पर रहना चाहिए, ऐसे गंदगी नहीं रखना चाहिए। अगर हम पर्सनल हाइजीनिक स्टेज पर नहीं रहेंगे, मतलब कि अगर हम साफ सफाई वाली जगह पर नहीं रहेंगे, तो एयर के भी कांटेक्ट में आएगा, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी गंदगी आएगी, और जो हम पानी पी रहे हैं उसमें भी गंदगी प्रेजेंट होगी, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में फूड भी आएगा, वाटर भी रहेगा, जिसकी वजह से अनहाइजेनिक सिचुएशन हो जाएगी, मतलब कि गंदगी पैदा हो जाएगी। देन कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, जो हम खाना पका रहे हैं उसको प्रॉपरली, मतलब पूरी तरह से उसको पकाएं और तभी हम कंज्यूम करें, मतलब कि तभी हम उसको लें। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी किस तरह का पिए अगर इस टाइप का हमें डिसीज हो रहा है तो? बॉइल्ड। ओके, और इसका भी अगर हम वैक्सीनेशन करवाएं, मतलब कि अगर फर्स्ट स्टेज पे ही हमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं या जो डिसीज है अगर वो दिख रही है, तो उसका अगर हम वैक्सीन करवा लें तो ये चांसेस है कि ये पूरी तरह से बच जाए। ओके, नाउ अवर थर्ड इज हेपेटाइटिस बी, थर्ड एंड फोर्थ इज हेपेटाइटिस बी एंड मलेरिया। अब ये जो दो से डिसीज है ये किसकी वजह से हो रहे हैं? वायरस और प्रोटोजोआ की वजह से। अब वायरस, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जो वायरस है ये पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसा है? डिफर है, मतलब कि अलग है, ये खुद ही रिप्रोड्यूस हो जाता है, मतलब कि इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पूरी तरह से ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही रिप्रोड्यूस हो जाता है हमारी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, ठीक है। और ये किसकी वजह से? जो हेपेटाइटिस बी है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। अगर इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, तो पर्सन को क्या प्रिवेंट करना चाहिए? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब उसको गर्म पानी पीना चाहिए। सेकेंड वन इज मलेरिया, सॉरी लास्ट वन इज मलेरिया, वो किससे हो रहा है? उसका मोड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? प्रोटोजोआ है। और मलेरिया सबको पता है किससे फैलता है? मलेरिया किससे फैलता है? मॉस्किटो से, जो फीमेल मॉस्किटो, जिसका नाम क्या है? एनाफिलस। ओके, तो मॉस्किटो से क्या हो रहा है? मलेरिया हो रहा है। तो अगर इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से सफर कर रहा है, तो उसे क्या यूज करना चाहिए? यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। मीन्स इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो अगर कोई इंसान, कोई पर्सन मलेरिया से सफर कर रहा है, और वो कौन से, जैसे मैंने आपको बताया मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो? फीमेल, फीमेल मॉस्किटो, द नेम ऑफ फीमेल मॉस्किटो इज एनाफिलस। ओके, रिमेंबर एवरी टाइम, हमेशा याद रखना, जो मलेरिया कॉज होता है वो मॉस्किटो से होता है, और जो मॉस्किटो है वो फीमेल, फीमेल मॉस्किटो, उसका नाम है एनाफिलस। अगर हमें मलेरिया हो गया है तो हमें प्रिवेंट क्या करके रखना है, किस तरह से बच कर रखना है? जो मॉस्किटो नेट, मतलब कि अगर हमें मलेरिया हुआ है तो, या फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल टेक द, कभी नाम सुना हो ऑडोमस का, तो ऑडोमस जो रहता है अगर हम उसको अपनी बॉडी पर लगा लें तो मलेरिया के चांसेस कम होते हैं। ओके, एंड मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। जैसे कि अगर मैंने बोला, अगर हम हाइजेनिक सिचुएशन रखेंगे, हाइजेनिक कंडीशन रखेंगे हमारे आसपास, मतलब कि साफ सुथरी जगह रखेंगे हमारे आसपास, तो मच्छर भी कम होंगे, जिसकी वजह से हमें जो डिसीज है मलेरिया वो भी नहीं होगी। तो अंडरस्टूड एवरीवन, ह्यूमन डिसीजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो ह्यूमन डिसीजेस है वो क्या क्या है, जैसे टीबी आप सब अवेयर हो, चिकन पॉक्स सबको होता है जिसे हम हमारी हिंदी में बोलते हैं माता, ठीक है। अब टाइफाइड सब अवेयर है, टाइफाइड से और मलेरिया से, अंडरस्टूड एवरीवन दिस। नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स, मतलब कि जिस तरह से ह्यूमंस में डिसीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उसी तरह से एनिमल्स में भी डिसीज हो सकती है। जैसे कि अभी हमने ह्यूमंस में पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, पंगाई हो गए, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, डिसीज कॉज हो रही है। उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर होता है, वाटर होता है, उसी तरह से एनिमल्स में भी डिसीज कॉज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अब जो चिकन पॉक्स होती है वो हमें पूरे शरीर में होती है, पूरी बॉडी में होती है, उसी तरह से जो एनिमल्स हैं उनको भी जो डिसीजेस हैं उनको हाथ में हो सकती है, मुंह पे हो सकती है, पैर में हो सकती है। तो मतलब कि जो डिसीजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू एनिमल्स में भी हो सकती है, और उनका भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो भी एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉज कर रहे हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ अब हमारा थर्ड है सम कॉमन प्लांट डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जिस तरह से ह्यूमंस और एनिमल्स में जो डिसीज कॉज हो रही है वो उसी तरह से प्लांट्स में भी डिसीज कॉज हो सकती है, उसी तरह से प्लांट्स में भी डिसीज कॉज हो सकती है। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। अब जैसे कि हमने एनिमल्स और ह्यूमंस में देखा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या देखे हमने दोनों में, बैक्टीरिया वायरस देखा, ठीक, सॉरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने क्या देखा, एयर और वाटर देखा, और उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिस वजह से डिसीज कॉज हो रही वो हमने क्या देखा है, बैक्टीरिया देखा और वायरस देखा। उसी तरह से प्लांट्स में भी जो डिसीज हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो भी बैक्टीरिया फंगाई वायरस हो सकते हैं। जैसे कि अब प्लांट्स की जो डिसीज है उसका हम लेके चलते हैं साइट्रस कैंकर, ये किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कुछ फ्रूट है उसके ऊपर जो मतलब कि साइट्रस ये एक तरह का एसिड होता है जिसकी वजह से ये फूड जिसकी वजह से ये डिसीज कॉज हो जाती है प्लांट में। द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स आर रस्ट ऑफ वीट, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, फंगाई की वजह से हो रहा है। किसकी, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि किसके कॉन्टेक्ट में होकर हो रहा है, प्लांट्स में, एयर ऑफ सीड्स की वजह से हो रहा है। तो दीज आर द डिसीजेज जो कि प्लांट्स में भी कॉज होते हैं। सिंपल एंड ईजी ये हमेशा याद रखो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से अगर तीनों में मतलब कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बिकॉज वी ऑल आर लिविंग बींग्स, तो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिसीज कॉज हो रहा है तो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगाई हो सकता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, एयर होगा, वाटर होगा और फूड होगा, ठीक है। बिकॉज फूड में भी एयर, फूड में भी एयर, फूड जो है वो भी एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, और वाटर है जो वो भी एयर के कॉन्टेक्ट में आता है। तो जितना भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो रहा है इन तीन से चार चीज़ों के बीच हो रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन दिस डिसीजेज विच वी डिस्कस्ड नाउ इन माइक्रो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो भी डिसीज कॉज हो रहे हैं वी डिस्कस्ड हियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर, अभी हम टॉपिक हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिसीजेस पढ़े, अब जो डिसीजेस पढ़ रहे हैं उसी में से अगर हम थोड़ा सा आगे ग्रोथ करें तो एक हमारा टॉपिक आता है फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग तो सबको पता है, फूड मतलब तो पता है कि खाना होता है, और पॉइजनिंग क्या, तो पॉइजन क्या होता है, जहर, तो इसका मतलब हो गया कि खाने में जो जहर होता है जिसकी वजह से जो ह्यूमन है उसको किन किन चीज़ों से दिक्कतें हो सकती है, ओके। तब फूड पॉइजनिंग फूड सबको पता है क्या होता है, खाना, और पॉइजनिंग मतलब क्या होता है, जहर। तो मतलब कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जहर हो सकता है, मतलब कि अगर हम उसको प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम ना करें, अगर हम उसको प्रॉपर अमाउंट में ना ले सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एक चीज़ बनाई, फॉर एग्जांपल हमने आलू की सब्जी बनाई, अगर उसको हमने आज बनाकर रखी और दो दिन तक की अगर हमने उसको रखी की रखी रह गई, मतलब कि अगर उसको हमने रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं रखा, तो उसमें से क्या होने लगेगा,
हमें कहीं ना कहीं स्मेल आने लगेगी, और अगर स्मेल आएगी तो उसमें से क्या होगा, जो स्मेल आएगी उसमें से क्या हम वो खाना खाएंगे, नहीं खाएंगे। अगर अगर हमने वो सब्जी खा ली तो हमें क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाएगा। टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब कि जो हमारी बॉडी को क्या करें, अफेक्ट करें, हार्म करें, तो जिसकी वजह से हमारे क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। और जब फूड पॉइजनिंग हो जाएगा तो हमें हम क्या क्या फील करेंगे, हम लो फील करेंगे, मतलब कि अच्छा फील नहीं करेंगे, चक्कर आएंगे, हेडेक होगा। प्रॉपर अमाउंट में अगर हमने खाना नहीं लिया, जो कुक्ड फूड है, मतलब कि हमारा जो फूड है वो तो पूरी तरह से कुक हो गया पर उसका हमने हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम नहीं करा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में क्या करेगा, हार्म करेगा। जिसकी वजह से या तो हम बहुत ज़्यादा इलनेस फील करेंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बीमार हो रहे हैं, या फिर अगर ज़्यादा अमाउंट में वो फूड जो है टॉक्सिक सब्सटेंस वाला अगर हमारी बॉडी में चले गया तो फूड पॉइजनिंग, मतलब कि हमारी बॉडी में खाने के थ्रू क्या कर देगा, जहर फैला देगा, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ अब सेकंड थर्ड पॉइंट है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन, फूड तो एवरीवन अंडरस्टूड फूड होता क्या है, और प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व मतलब कि स्टोर कर रखना या फिर संभाल कर रखना। ओके, अब फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड प्रिजर्वेशन का एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन फूड स्पॉइलेज, लॉस ऑफ क्वालिटी, एडिबिलिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड दस अलाउ फॉर लॉन्गर फूड स्टोरेज। मतलब कि फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि फूड को किस तरह से हमें हैंडल कर रखना है। अगर हम उसको प्रॉपर अमाउंट में हैंडल करके रखेंगे तो जो हमारा फूड है वो पूरी तरह से ख़राब नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने एक मैंगो लिया, आज लिया मैंगो और मैंने उसको 2 से 3 दिन तक की रख दिया उसको। जब मैंने वो मैंगो को 3 से 4 दिन बाद खाने लगी तो जो मैंगो था वो पूरी तरह से क्या हो गया, रोटन हो गया, मतलब कि सड़ गया। तो क्या वो मैंगो मैंने प्रिजर्व करके रखा, नहीं करके रखा। पर अगर जब हम मैंगो का अचार बनाते हैं, तो जब आम का अचार बना के रखते हैं तो वो तो सालों साल चल जाता, वो ख़राब नहीं होता है। क्यों ख़राब नहीं होता है, बिकॉज उसमें जो कॉमन मेथड्स होती है प्रिजर्वेशन की वो हम डालकर रखते हैं। अब मेथड क्या होती है प्रिजर्वेशन की, जैसे कि केमिकल मेथड होती है, कॉमन मेथड होती है। तो मेथड्स क्या क्या हो सकती, ड्राइंग हो सकती, पिकलिंग हो सकती, शुगर हो सकती और कूलिंग। जैसे पिकलिंग का, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया अचार का, अब वो तो सालों साल चलता है, वो क्यों नहीं ख़राब होता है, और जो आम मैंने बाहर रखा था या फिर रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा था तो वो क्यों सड़ गया, क्योंकि पिकल में हम एक कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, एक सॉल्ट यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो सॉल्ट जो रहता है आम को क्या करता है, मॉइस्चरिंग करता है, जिसकी वजह से वो सड़ता नहीं है। उसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें शुगर का, मतलब शुगर अगर जैली सबने खाई होगी, जैली जो रहता है उसमें क्या रहता है, शुगर रहता है, मतलब कि जैली तो मीठी रहती है। तो जो जैली में किसका हमने ऐड करा प्रिजर्वेशन, किसका प्रिजर्वेशन करके रखा हमने, शुगर का प्रिजर्वेशन करके रखा। तो जो शुगर रहता है, जिस तरह से अचार में सॉल्ट का यूज़ हम कर रहे हैं, सॉल्ट क्या कर रहा है, अचार को प्रिजर्व करके रख रहा है, उसी तरह से जैली जो है, जैली में शुगर क्या कर रही है, उसको मॉइस्चरिंग दे रही है उसके रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो वो जो शुगर है वो क्या कर रही है, जैली को प्रिजर्व करके रख रही है। अंडरस्टूड? तो ये फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं, मतलब कि ड्राइंग, पिकलिंग, शुगर और कूलिंग। कूलिंग मतलब कि जो चीज़ है, जो एक फॉर एग्जांपल, इफ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर हम उसको रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखेंगे, रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो क्या होगा, अगर रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। पर हम अगर उसको थोड़ी लो टेम्परेचर में रखेंगे तो जो लो टेम्परेचर में रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा, मतलब कि जो उसकी थिकनेस रहेगी वो वैसी की वैसी रहेगी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको फूड को प्रिजर्व करना है तो उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें रखना पड़ेगा।
तभी वो फूड स्टोर हो सकते हैं, और अगर वो फूड हमने प्रिजर्व करके रखा है तो अगर हम उसे हम अपनी हम कंज्यूम करेंगे, हम लेंगे, तो वो स्पॉयल भी नहीं होगे, अगर और वो स्पॉयल नहीं होगे तो हमारी बॉडी पे कोई हार्म भी नहीं होगा, और अगर हमारी बॉडी में कोई हार्म नहीं होगा तो हमारे हमें फूड पॉइजनिंग के भी चांसेस नहीं रहेंगे। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल। क्लास 7th में आप लोग ने वाटर साइकिल पढ़ा था, नाउ वी विल स्टडी अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। अब जैसे कि यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में फिक्स होता है। हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन होता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो फिक्सिंग करता है नाइट्रोजन को किस में, एटमॉस्फेयर में। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन जो रहता है एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट होता है, 78% प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में रहता है वो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, मतलब काफ़ी हद तक ही प्रेजेंट होता है। अब अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, जब नाइट्रोजन फिक्सिंग फैक्टर इन ब्लू ग्रीन, जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, जो हमने एल्गे के बारे में पढ़ा था, राइजोबियम फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन रहता है वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन जो रहता है एटमॉस्फेयर को क्या करता है, ख़राब करता है। ओके, देन जब ब्लू ग्रीन एल्गे नाइट्रोजन में, ब्लू ग्रीन एल्गे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू, तो जो बैक्टीरिया रहता है वो काय में टर्न हो जाता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि नाइट्रोजन में बदल जाता है। और जब वो नाइट्रोजन में बदल जाता है तो किस सब्सटेंस में, किस कंपाउंड में चले जाता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। ओके, और ये जो नाइट्रोजीनियस, जब बैक्टीरिया नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में चेंज हो, कन्वर्ट हो गया, तो किस में मिल जाता है, वो जो उसके कंपाउंड्स होते हैं वो किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, अगर वो बैक्टीरिया में फिक्स होता है, और बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम, जब ये फिक्स होकर दूसरे जब ये फिक्स होकर नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, तो नाइट्रोजन में टर्न होकर किस में हो जाते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। और जितने नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं कायमिक मिल जाते हैं, घुल जाते हैं मिट्टी में। जब कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजीनियस इन द सॉइल, जब ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कंपाउंड से जब ये मिट्टी में पूरी तरह से घुल जाते हैं तो किस में चले जाते हैं, लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन में। मतलब कि जो बिजली कड़कती है तो उसमें भी क्या होती है, लाइटनिंग होती है, जिसमें से क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, क्योंकि नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और जब नाइट्रोजन बिजली कड़क, लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है नाइट्रोजन में फिक्स होता है, और यही बिजली जो कड़कती है वापस से कहाँ पर मिलकर चले जाती है, वो भी सॉइल में फिक्स हो जाती है। अब ये जितना भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स और जितने भी नाइट्रोजन फिक्स हुए एटमॉस्फेयर में, ये सारे कहाँ पर फिक्स हो जाते हैं, मिट्टी में। जब ये पूरी तरह से मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं या फिर मिट्टी में पूरी तरह से घुल जाते हैं तो किस में चले जाते हैं, किस में आ जाते हैं, पेड़ पौधे में आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेड़ पौधे कहाँ पर लगे होते हैं, मिट्टी में ही लगे रहते हैं। और एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट रहता है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। जब ये पूरी साइकिल जो रहती है मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है या फिर घुल जाती है, तो प्लांट्स जो रहते हैं नाइट्रोजन को ले लेते हैं। अब जब अपटेक बाय प्लांट्स, मतलब कि जो प्लांट्स रहते हैं पूरी तरह से कंपाउंड्स को ले लेते हैं, तो फिर क्या होता है, एनिमल्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो जब ये एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं या फिर लेते हैं, तो उनकी वो क्या हो जाते हैं, उनकी बॉडी में से क्या निकलता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एस्क्रीशन एंड दैट। अगर जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं तो उनकी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल निकलता है, और जब वेस्ट मटेरियल रहता है उसमें से क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। और अगर वो किसी जानवर की डेथ हो जाती है तो उसमें से भी क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। मतलब कि ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होकर पूरी साइकिल को फिक्स करता है। पूरी साइकिल फिक्स होने के बाद मिट्टी में एट द एंड वो मिलता है, और फिर मिट्टी में जब वो मिलता है तो वो प्लांट्स के थ्रू वापस से एनिमल्स में जाता है, फिर एनिमल्स के थ्रू जब उनका वेस्ट मटेरियल या फिर जो उनकी डेथ हो जाती है तो उसमें से उनका नाइट्रोजन निकलता है। और जब
वापस से जो वेस्ट मटेरियल या फिर कोई जानवर मर जाता है तो वापस उनका जो नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो रहते हैं, वो वापस से किस में ऐड हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं, सॉइल में हो जाते हैं। और जब सॉइल में एडअप हो जाते हैं तो वो जो बैक्टीरिया रहता है वो काय में टर्न हो जाता है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन में टर्न हो जाता है। और जब बैक्टीरिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बदल जाता है तो गैसियस टाइप के नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, फर्स्टली तो जो नाइट्रोजन रहते हैं वो एटमोसफेयर में प्रेजेंट रहते हैं, एटमोसफेयर में जब नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं तो वो बैक्टीरिया में फिक्स होते हैं, बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे और राइजोबियम। राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गे जो रहते हैं, मतलब दीज टू आर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो नाइट्रोजिनियस कंपाउंड है ओवरऑल वो काय में तब्दील हो जाते हैं या फिर घुल जाते हैं मिट्टी में। और जब पूरे बैक्टीरिया मिट्टी में घुल जाती है तो कौन सा फॉर्म देती है या फिर कौन सा कंपाउंड देती है, गैसियस नाइट्रोजन। अंडरस्टूड एवरीवन? तो दिस सेकेंड चैप्टर बी कंप्लीटेड ऑफ साइंस ऑफ क्लास 8। अंडरस्टूड एवरीवन?